या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई विचार आपके मन को इतना घेर ले कि आप में कुछ और सोचने की शक्ति ही नहीं बचती? उसी एक बात के बारे में बार बार सोचकर आप विचलित और पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए हो, या तो बीते हुए समय के बारे में सोचकर दुख और पछतावा महसूस करते हो, या फिर आने वाले भविष्य के बारे में चिंता और डर। इसका नकारात्मक परिणाम ये होता है कि हम हर चीज में खुद को दोषी मानने लगते हैं, हमारे हर निर्णय पर संदेह करने लगते हैं, अपना सारा समय सिर्फ सोचने में बिताते हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हम, और धीरे धीरे हमारे भीतर इतनी हीन भावना या सेल्फ पिटी भर जाती है कि हम खुद को किसी भी लायक नहीं समझते। और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया ना, तो खुद को हानि पहुंचाने वाले विचार भी आ सकते हैं। ओवरथिंकिंग या जरूरत से ज्यादा सोचना हमें इस हद तक पहुंचा सकता है। देखिए, मन का काम है सोचना और महसूस करना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे मन में कोई भी विचार आए ही नहीं, अचानक स्टॉप हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ओवरथिंकिंग, इससे कैसे बचे? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जरूरी है कि हम स्वीकार करें कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। एक बार हम ये स्वीकार कर ले तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा इसका हल ढूंढना। इसके बाद ध्यान से सोचे कि क्या किसी विषय में जरूरत से ज्यादा सोचने से हमें कोई फायदा हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर स्वाभाविक हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और इस आदत की वजह से हमें मानसिक तनाव हो रहा है, तो ये एक संकेत है कि अब हमें इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा कम कर देना चाहिए, नियंत्रित कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में सोचकर कुछ सल्यूशन निकले, तो फिर सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, उस पर एक प्रॉपर एक्शन भी लेना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है जिसके बारे में सोच सोच कर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो फिर इसके बारे में सोचा ही क्यों जाए? एक और महत्वपूर्ण बात है ये समझना कि जो हो गया है हम उसे बदल नहीं सकते। हम अक्सर सोच सोच कर दुखी हो जाते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता या ऐसा नहीं किया होता। लेकिन जैसा हम सोचते हैं या चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। ऐसी चीजों पर फोकस करें जो हमारे नियंत्रण में है, जो हम कर सकते हैं। शांत और संतुलित मन से सोचे कि हम अनचाही घटनाओं से क्या सीख सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से उनका सामना कर सकते हैं। और एक बहुत इफेक्टिव सल्यूशन है अपने विचारों को खुलकर किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने व्यक्त करना। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे किसी लाभ के लिए ना जुड़ा हो, वास्तव में वो हमारा शुभचिंतक हो, वेल विशर हो, और हमारी भलाई चाहता हो, हमें खुश देखना चाहता हो, हमेशा सुखी देखना चाहता हो। और अगर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में सोच सोच कर आप ग्रस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं निकल रहा, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण आपसे अलग हो और वो सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सके। इसलिए ऐसे किसी समझदार व्यक्ति के साथ अपने मन की बात या दुविधा अवश्य व्यक्त करें। इस प्रकार अपने आप को व्यक्त करने से आप न केवल हल्का महसूस करेंगे, बल्कि परिस्थिति का विश्लेषण करने का एक नया दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव आपके सामने आएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों की संगत में रहे जो पॉजिटिव खुद तो सोचते हो, ऐसा एटीट्यूड खुद तो रखते हो, लेकिन जिनसे हम भी पॉजिटिवली हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करना सीख सकते हैं, ना कि हम दूसरों को कोसते रहे। अपने आप को पॉजिटिवली एंगेज रखना भी बहुत जरूरी है। एक टारगेट सेट करिए कि नई नई एक्टिविटीज सीखना है जिनमें आप व्यस्त रह सके, आपका टाइम बहुत प्रोडक्टिवली गुजर सके, आपका मन लग सके, जिनसे हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए और हमारा स्ट्रेस कम हो जाए, जैसे कि व्यायाम, संगीत या कोई नई कला सीखना, या रोज कोई श्लोक सीखना जो आपके व्यक्तित्व में विकास लाए। लेकिन चंचल और अशांत मन, इसको ओवरथिंकिंग से बचाने का सबसे असरदार तरीका है मंत्र मेडिटेशन या भगवान के नामों का जप करना। आज लगभग सभी लोग मानसिक शांति और तनाव रहित जीवन की खोज में हैं,
और नाम जप ये मन की शांति प्राप्त करने का बहुत ही सरल तरीका है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि मन त्रायते इति मंत्र, यानी हर प्रकार की चिंता उससे मुक्त करने में सक्षम है ये मंत्र या सेक्रेट साउंड। जब हम एकाग्रता से भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमें नकारात्मक विचारों से राहत मिलती है और हम मन को भगवान पर केंद्रित कर सकते हैं। कहा गया है, इति षोडशकम नामम कलि कलमशन्नाशनम नतः परतरो प्रय सर्ववेदेषु दृश्यते। इसका अर्थ है कि सभी शास्त्रों के गहन अध्ययन के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में हर प्रकार के कलमशों का नाश करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। एक रोगी को चाहे दवाई की क्षमता का ज्ञान हो या नहीं, लेकिन दवाई फिर भी असर करती है और रोग को जड़ से नष्ट करती है। इसी तरह चाहे हमें हरे कृष्ण महामंत्र की क्षमता का ज्ञान हो या नहीं, नियमित रूप से जप करने से हम ओवरथिंकिंग जैसे प्रॉब्लम से मुक्त होकर शाश्वत आनंद, शांति और संतुष्टता महसूस कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुलित हो जाए, वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना बिना विचलित हुए सक्षम रूप से कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंप दी है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने जीवन में चैंटिंग या मंत्र उच्चारण जरूर अपनाएं। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।